अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज का व्लॉग को शुरू करते हैं। असल में हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, ये मेरी भतीजी है, तो यमुना उनके साथ काफ़ी प्ले कर रही थी और बहुत इंजॉय कर रही थी। ये मेरी छोटी सी भतीजी है, इसका नाम अनाया फातिमा है, और अनाया फातिमा माशाल्लाह अभी 7 मंथ की हो गई है जी। तो यमुना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। भाई और भाभी आए थे क्योंकि भाई ने मलेशिया वापस जाना था, तो ये मैंने फ़ूड रेडी किया था। पिज़्ज़ा की रेसिपी तो आपके साथ शेयर कर दी है और इंशाल्लाह बर्गर की रेसिपी भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आपने ट्राई की है या नहीं। ये मैंने अपने भतीजे के लिए खीर बनाई थी, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है ये खीर, यमुना और रिनात के लिए मैं अक्सर बनाती हूँ, तो भतीजा आ रहा था तो मैंने सोचा उसके लिए भी बना लेती हूँ, वो भी खा लेगा शौक़ से। तो जी इंशाल्लाह वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, मुझे कमेंट में बताइएगा। और अनाया के साथ बेबी भी बहुत ज़्यादा प्ले कर रही थी। दरअसल बेबी की ज़रा ज़्यादा फ्रैंकनेस है क्योंकि बेबी जैसे उसे चाहती है अपने साथ मोल्ड कर लेती है। किससे बात कर रहा है बेबी? बेबी आप किससे बात कर रहे हो? हाँ बेबी, कौन आया है? नाया? नाया को पारी नहीं किया आपने? नाया डर जी के बात है, कोई बात नहीं, छोटी है ना वो। और यहाँ पर जी भाभी और भाई चले गए थे और यमुना रोई जा रही थी कि मुझे भी साथ जाना है। और अहमद क्यों चला गया? अहमद ने मेरे घर रहना था, लेकिन मैंने उसको समझाया कि बेटा वो फिर आएंगे, आप रोना बंद करें। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।